पूर्व सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सीख लीजिए। दूसरा अनुपूरक भी प्रस्तुत हुआ, अनुपूरक बजट प्रस्तुत हुआ और इसमें खासकर 18 लाख आवास की बात करते हैं लेकिन वो राशि दिखाई पड़ नहीं रही है, क्योंकि पिछले समय जो 7.5 लाख आवास की पहली किस्त हम लोगों ने दिया था करीब 17-18 करोड़ रुपया, वही उसी राशि का उल्लेख है। इसका मतलब ये है कि या तो वो नए लोगों को देंगे या फिर वो जो पहले किस्त मिल चुका है उन्हीं को दूसरा किस्त देंगे। इसे कल्याण उन्नति योजना के बारे में राज्यपाल के अभिभाषण में है लेकिन इसमें कोई हेड वगैरह नहीं दिख रहा है। थोड़ी बहुत राशि जो दिखाई दे रहा है वो 2 साल के बकाया बोनस का है, उसमें ब्याज वगैरह पता नहीं तो कितना मिलेगा क्या मिलेगा। और 3100 रुपया के बारे में प्रति क्विंटल खरीदने के बाद मुख्यमंत्री जी अलग कहते हैं, उप मुख्यमंत्री जी अलग कहते हैं, ऋण माफी के बारे में उप मुख्यमंत्री के बयान कुछ और है, दूसरे का कुछ और है। तो ये बजट भी बिल्कुल इसमें कोई नई चीज दिखाई नहीं दे रही, जो सरकार जिन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच में गए और उससे वो सरकार बनाए, जिसमें सप्लीमेंट्री बजट में ऐसा इसका कोई उल्लेख दिखाई नहीं पड़ता, जो एक क्रांतिकारी कदम हो सकता था, जो बातें उन्होंने कही थी उसके बारे में इसमें कोई खास उल्लेख दिखाई नहीं देता। कुल मिला के भाषण भी बहुत निराश था और सप्लीमेंट्री बजट में भी कोई उम्मीद छत्तीसगढ़ को जनता को नहीं रहेगा। कल चर्चा है इस पे दोनों अभिभाषण में जो बातें हैं वो 4 पेज का भाषण अभिभाषण है राज्यपाल, मतलब सरकार जो है स्थिति ये है, एक मुख्यमंत्री है, 2 मुख्यमंत्री हैं और कुल मिला के 4 पेज का भाषण तैयार किए, जबकि ये राज्यपाल का अभिभाषण मतलब सरकार का आईना होता है, भविष्य में किस प्रकार से काम करेगी सरकार उसका रूपरेखा होता है, वो झलक दिखाई देता है। और जब ये 4 ही पेज का भाषण है इसमें क्या बोलोगे आप, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। सप्लीमेंट्री बजट में भी कुछ नहीं, कुल मिला के ये सरकार अभी से दिशाहीनता की शिकार होगी। ये नक्सल घटनाएं लगातार बढ़ रही है, अगर बात करें तो 15 दिनों के अंदर 22 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, लगातार घटनाएं घट रही है। इनका कहना है कि पहले ऑपरेशन नहीं चल रहा था, अब ऑपरेशन चलता है इसलिए घटनाएं बढ़ रही। सबसे बड़ी बात ये है नक्सल घटनाओं में जो नियंत्रण हमारी सरकार ने किया था उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि चुनाव के समय प्रथम चरण और द्वितीय चरण में एक एक जवान की शहादत हुई, उसके अलावा और कोई घटना नहीं हुई थी, मतदान में कहीं रुकावट नहीं हुआ और शांतिपूर्वक ये चुनाव निर्बाधित रूप से संपन्न हुआ। जहां मतदान केंद्र पहले नहीं थे, सड़क के किनारे पोलिंग बूथ बनाया जाता था, अब वो चाहे वो सुकमा हो, बीजापुर हो, दंतेवाड़ा हो, सब अंदरूनी क्षेत्र में, नारायणपुर के अंदरूनी क्षेत्र में मतदान केंद्र खोले भी गए, मतदान भी हुआ। ऐसा एक भी मतदान केंद्र नहीं है जिसमें 0% मतदान हुआ। लेकिन इसके पहले आप याद करें भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जब भी चुनाव होते थे कितने मतदान केंद्रों में पुनः मतदान कराया जाता था। तो ये अपने आप में प्रमाण है कि हमारी सरकार की उपलब्धि क्या है। आज आप आरोप लगा देना अलग बात है, लेकिन अभी सरकार बनी भी नहीं है, विभाग का पता नहीं है, सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास है, सारे सीनियर लीडर देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। तो ये दिशाहीनता की शिकार ये सरकार दिखाई पड़ रही है। ये कि किसानों के लिए जो घोषणाएं थी सबसे महत्वपूर्ण मानी गई, पिछली सरकार में आपकी सरकार में हमने देखा था 2 घंटे के भीतर वादे पूरे हो गए थे, 2 प्रमुख वादे थे, अभी तक इनको समय को लग गया, लगभग 10 दिन हो गए, नहीं 3,500 करोड़ उसमें। यही मैं कह रहा हूँ किसानों के केवल 2 साल का बोनस है और आवास का वो भी पिछले सरकार के जो दूसरी किस्त है, यदि देंगे तो दूसरी किस्त का पैसा होगा, इसका मतलब 18 लाख लोगों को उसको मिलना नहीं है, केवल वो जो 7.5 लाख लोगों ने दिए हैं उसी का दूसरा किस्त होगा। और बोनस का 2 साल के पुराने बोनस का 3100 रुपये में खरीदी की किस प्रकार से व्यवस्था होगी, 21 क्विंटल खरीदी के आदेश अभी तक नहीं हुआ, केवल उसमें बजट में प्रावधान करने की जरूरत ही नहीं थी,
उसको तो आदेश ही निकालना था 21 क्विंटल खरीदी करना है, वो भी नहीं हुआ है। तो ये जो प्रथम अनपूरक आया है बहुत ही निराशाजनक है, खासकर किसानों के लिए और जो आवासहीन लोगों के लिए, ये बिल्कुल ही निराशाजनक है। और जो गैस सिलेंडर और दूसरे जो मातृवंदना, इसके बारे में इसमें कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। भाजपा कह रही है कि नक्सलियों को कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त है और जब से भाजपा की सरकार आई है तब से नक्सली बौखलाए हुए हैं। नियंत्रण खो चुके हैं, अधिकारी वही थे, इतनी घटनाएं हमारे शासनकाल में नहीं हुआ। और हमारे शासनकाल में बड़े बड़े जो जिसके पास एक AK-47 इंसास बड़े बड़े हथियार रहते थे, ऐसे लोग या तो वो सरेंडर किए या गिरफ्तार किए या इनकाउंटर किया। इनके समय में तो केवल भरमार वाले ही सरेंडर करते थे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। पीएम आवास योजना में मिलने वाली राशि का उन्होंने जिक्र किया। नक्सली घटनाओं को लेकर भी उन्होंने कहा है कि हमारी जब सरकार थी, तत्कालीन सरकार थी, उस समय नक्सली घटनाएं कम हो रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से नक्सली घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए भी नजर आए। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज दूसरा दिन था कार्यवाही का और ऐसे में अब कल तक के लिए स्थगित। और इसके पहले आप सुन रहे थे पूर्व सीएम भूपेश बघेल। राज्यपाल के अभिभाषण का भी उन्होंने जिक्र किया कि चार पन्नों का भाषण था, सरकार का आईना होता है।